अफला पुष्पा जास्य पुष्पिणी बृहस्पति प्रस्थास्तानो मुञ्चन्त गुंहस इदं फलमया देव स्थापितं व्रतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर् भवेत् जन्मनि जन्मनि मुक्षुद्ध्यार्थय लाल गंगा ताम्रपत्रम् ओम जत्पुरोहेण विहा देवा जगवतन्वत वसन्तो स्यासीदाज्यं ऋक्मद्म शरद्धविः मुक्षुद्ध्यार्थ लाल गंगा ताम्रपत्रम् समर्पयामि श्री गणेशामिकाभ्यां नमः कृताया पूजाया साद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणा ओम हिरण्यगर्भा समवर्धताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेम बीज विभावसो अनंत पुण्य फलदमतः शान्तिं प्रयच्छमि कृताया पूजाया साद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि श्री गणेशामिकाभ्यां नमः नमस्कारोमि। अब हाथ जोड़ करके गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि गणपति भगवान आप हमारे कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक सफल करना, हमारे जीवन में कोई किसी प्रकार का विघ्न बाधा उत्पन्न न हो, हम कोई भी कार्य करें और निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त हो, ऐसे प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु सूर्य सौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन मंगलम मंगला सद्बुद्धि सबुधो गुरु सगुरुताम शुक्र सुखम संसनि। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जंबु फलचारु वक्षणम मासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय कलि रूपाय ते नमः। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणपति भगवान की जाने। आप पूजा श्री गणेशामी के प्रियंता नमः। आइए अब कलश का ध्यान करेंगे। कलश की उत्पत्ति देवता और दानवों ने मिलकर के जब समुद्र मंथन किया था तो अमृत कलश की उत्पत्ति हुई थी। अमृत कलश निकला था, देवताओं ने अमृत का पान किया, देवतागण अमर हुए। और देवतागण अमर हुए तो देवतागण कहने लगे कि आज के बाद कोई भी पूजा पाठ हवन यज्ञ शुभ कार्य में हमारी पूजा करेगा, हम उनकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। आइए कलश में सभी देव देवताओं का निवास होता है, सभी देव देवताओं का आवाहन पूजन करेंगे कि आप यहाँ आकर के विराजमान हो कलश में, हमारे पूजन को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी भावना रखते हुए कलश का ध्यान करेंगे। ओम वरुणस्य स्तम्भ नमसि वरुणस्य स्कम्भ सर्जनिस्थो वरुणश्रित सदन्यसि वरुणश्रित सदनमसि वरुणश्रित सदनमासीदापते वरुणाय नमः। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय स्वस्तिकाय सवानाय पांपते वरुणाय नमः। स्नानम पादुर्पाद्यम हस्त्योराघ्यम मुखेयाचमनीयम सर्वांगे सुस्नानीयम जलम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रथम स्नानम समर्पयामि यज्ञोपवीतम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेया सहजं पुरस्तात् इष्टमुग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि वस्त्रं जुवासुवासा प्रवितागासुस्यान् भवति जायमाना तन्धीरा संसाद्यो मनसा देवन्तो वस्त्रम् उपास्महि खायता नरः पवमानैन्द्रियविदेवान् गोवस्त्रान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि गन्धं गन्धद्वारां दुराधर्षानिति पुष्टाङ्करेष्वश्चरं सर्वभूतानां तामिहोपावयस्य ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः कलशकुम्भाय नमः गंगाय नमः यमुनाय नमः सरस्वत्यै नमः गायत्र्यै नमः सावित्र्यै नमः अक्षतां समर्पयामि अक्षताश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणा परमेश्वर माल्या दीनि सुगन्धिनी मालत्यादिनि वै प्रभो म
मया अर्थानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगणतां पुष्पाणि समर्पयामि धूपं आघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं प्रदर्शयामि हस्तप्रक्षालनपूर्वकं नैवेद्यं पुरतो स्थाप्य नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शेषणद्वौ समवर्तत पर्यां गोम दिशा श्रोता तथा लोकान् कल्पयन्नवं प्राणाय स्वपानाय स्वाभ्यानाय स्व समानसदा मध्ये पानोत्तरापोषं समर्पयामि श्री अपां पते वरुणान् मृत्युकालोद्भवफलम् ओम इदं फलं मया देव स्थापितं व्रतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि मुक्तशुद्ध्यर्हे लालवङ्गात्ताम्बूलपत्रम् ओम कुहिफलं दिव्यं नागवल्लीदलर्थं यलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिदायलताम्बूलपत्रं समर्पयामि कृताय पूजाय सागुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणाम् ओम हिरण्यगर्भः समर्थावे भूतसजाता पत्रिका सीत सदाधार पृथिवीं द्यामु ते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीज विभावसु अनन्तपुण्यफलादमतः शान्तिं प्रयच्छामि नमस्करोमि ओं कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुच्छोतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगै सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी तथा आयन्तु यजमानस्य दुरिता क्षयकारका अनया पूजा श्रीवरुणदेवताः प्रियन्तान्न मम आइए अब ओंकार ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करेंगे। ओम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकारानुसंकार देवतां कं आवयं स्थापयामि पूजयामि। ओं ब्रह्मजज्ञानां प्रथमं प्रस्तादु श्रीमतः श्रुचो वीणा वसवज्ञोपमास्यविष्टाः सतस्य जोनिः सर्वस्य ब्रह्मणि नमः ब्रह्माणम् आवयं स्थापयामि पूजयामि। ओमिदं विष्णुन विचक्रमे त्रेधा निविदरे पदम समुढवस्य पागुं श्री स्वाहा विष्णवे नमः विष्णुम् आवयामि स्थापयामि पूजयामि। ओं नमः सम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः साम सदा शिवाय नमः शिवम् आवयामि स्थापयामि पूजयामि। ओं नमोस्तु सर्पेभ्यो ये केच पृथिवी मनो ये अंतरिक्षे ये दैत्यभ्यो सर्पिणशुनाशुनावाम स्थापयामि पूजयामि। आवानाथ्यासनाध्यक्षतान् समर्पयामि अथ स्नानम् पादुर्पाद्यमस्त्यर्घ्यमर्घ्याङ्गात्मीयं जलं समर्पयामि। गङ्गे च्यम्ने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थमिदं स्नानं समर्पयामि अथ यज्ञोपवीतं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्तात् आयुस्समग्रं प्रतिमं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतान्त्यात्मनिं जलं समर्पयामि। वस्त्रम् उपवस्त्रं जुवा सुभासा परितागास पुष्यान् भवजायमाना तं धीरासं साध्यो मनसा देवेन्द्र वस्त्रमुपास्मै कायता नरः पमानायन्द्रय देवान् यक्षदो वस्त्रान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि अथ गन्धं त्वं वाकन स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतेः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यस्मादमुच्चताक्षतासुरा श्रेष्ठा कुङ्कुमार्ता सुशोभिता मया निदिता वक्त्या गृहाणा परमेश्वर माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदीयतां धूपं दीपम्। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो जात श्रोता द्वायस प्राण सम्मुखात् अग्निरजातास्त प्रक्षालन पूर्वकं नैवेद्यं नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषणद्वौः समवर्तत पद्भ्यां भुवन दिशा श्रोता तथा लोकान् कल्पयन्नवं प्राणाय स्वपानाय स्वाभ्यानाय स्व उदानाय समानाय मध्ये पानोत्तरापोषं समर्पयामि ऋतुकालोद्भवफलम् ओमिदं फलं मया देव स्थापितं व्रतस्तव तेन मे सफला वाप्ते भवेज्जन्मनि जन्मनि ऋतुकालोद्भवफलं समर्पयामि। मुक्षुद्ध्यार्थाय लालवङ्गात्ताम्रपत्रं यत्पुरुकेण विखा देवा जगवत्तन्वत वसन्तोष्यासीदाज्याङ्ग्रेक्ष्मद्मा शरद्धवि। मुक्षुद्ध्यार्थाय लालवङ्गात्ताम्रपत्रं समर्पयामि। चिताय पूजाय सद्गुण्याथे दर्वदक्षामिरण्यगर्भः सम्वर्ताग्नि भूतस्य जातः पत्रिका सीत सदाधार पृथिवीं द्यामु ते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीज विवाहसनन्त पुण्यफलदं शान्तिं प्रयच्छामि नमस्करोमि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।
देवाय तस्मै नमः ने आपको जहाँ से आवश्यक देवता चिंता न आइए अब महालक्ष्मी का आवाहन पूजन करेंगे। ओम हिरण्यवर्णम हरिणीम सुवर्ण रत्नस्रजाम चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मीम जातवेदो महावह ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् भो महालक्ष्मी या गच्छ या तिष्ठ मम पूजा वरदो भव श्री महालक्ष्मी नाथ स्नानम पादरपाद्यम हस्त्युरर्घ्यम मुखे आत्मनीयम सर्वांगे सुस्नानियम जलम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः वस्त्रम उपवस्त्रम वस्त्रोपवस्त्रान्ते मंगलमय रक्तसूत्रम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः उपवस्त्रान्ते आत्मनियम जलम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः ओम गंधम त्वं गंधर्वाखनस्त्वं इन्द्रस्त्वं बृहस्पतेः स्वामो हदेशो मो राजा विद्वान रक्षतान समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः पुष्पम पुष्पाणि समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः धूपम दीपम धूपम आघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपम प्रदर्शयामि हस्त प्रक्षालन पूर्वकम् नैवेद्यम प्रतोस्थाप्य नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यान्ते पुनरात्मनीयम जलम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः ऋतुकालोद्भव फलम ओम ज्याः फलिमिर्ज्या फला पुष्पा जास्य पुष्पिणी बृहस्पति प्रसुतास्थानो मुञ्चन्तु गुंहसः जत्पुरोखेण विखा देवा जगिवतन्वत वसन्तो स्यासी दाज्यङ्घ्रिह्मद्मासरद्धवि मुसुद्यार्थ्याय लालवङ्गाय ताम्रपत्रम् समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः कृताय पूजाय साद्गुण्यार्थे द्रवदक्षामि हिरण्यगर्भगर्भस्थम् हेमवीज विवाहवसनन्तपुण्यफलदवता शान्तिं प्रक्षमि कृताय पूजाय साद्गुण्यार्थे द्रवदक्षां समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः नमस्करोमि ओम या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवि विश्वं ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्री महालक्ष्मी नमः स्नेहा पूजा श्री महालक्ष्मी देवताः प्रियन्तां नमः। आइए अपने जो कुल की देवियां होती उनका ध्यान करेंगे। ओम गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ऋते पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिकाहिता वृद्धो पूज्यास्तु षोडशा श्री गौरिया षोडश मातृभ्यो नमः आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। ओम आवाहयाम्यं देवीं योगिनी परमेश्वरी योगाभ्यासेन संतुष्टा दिव्योगसंयुता दिव्योगात् चतुष्षष्ठी योगिन्यै नमः आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। स्नानं पादरपाद्यं हस्त्योर्घ्यं मुखे आत्मनियं सर्वांगे सुस्नानं जलं समर्पयामि वस्त्रम उपवस्त्रम वस्त्रोपवस्त्रान्ते मंगलमृतसूत्रम उपवस्त्रान्ते आत्मनियम जलम समर्पयामि अथ गंधम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्यामि स्वयं सर्वतानां तामि हो पावनक्षतां समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयान्तानि पुष्पाणि पूजार्थं पुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपं हस्तप्रक्षालनपूर्वकं नैवेद्यं प्रस्थाप्य नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते पुनरात्मनीयं जलं समर्पयामि ऋतुकालोद्भवफलं समर्पयामि मुखशुद्ध्यर्थे अहिलालवङ्गात् ताम्रपत्रं समर्पयामि कृताय पूजाय साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षां हिरण्यगर्भसमृताग्रे भूतस्जाता पद्रेकाश्रिता सदाधारपृष्ठं ध्यामुते मां तस्मै देवाय हविता विधेम नमस्करोमि। ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सोधा नमोस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणी नमोस्तुते। अनया पूजा श्री गौर्यादि सरस्वतीका चतुष्षष्ठी योगिन्यः प्रियन्तां नमः। आइए अब नवग्रहों का आवाहन पूजन करेंगे। ओम कृष्ण नरदसा वर्तमानो निवेशन मृतम मर्त्यंच हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् ओम ह्रां ह्रीं रं सूर्यानं सूर्यमावयामि स्थापयामि पूजयामि
ओम श्रांग सिंह श्रांग चंद्रमसि नम चंद्रमा आवयामि स्थापयामि पूजयामि ओम क्रांग क्रीं क्रांग सभव माय नमः भवम आवयामि स्थापयामि पूजयामि ओम ब्रां ब्रीं ब्रां सबुदाय नमः बुधम आवयामि स्थापयामि पूजयामि ओम ग्रां ग्रीं ग्रां सगुरवे नमः बृहस्पतिम आवयामि स्थापयामि पूजयामि ओम द्रां द्रीं द्रं स शुक्राय नमः शुक्रम आवयामि स्थापयामि पूजयामि ओम प्रां क्रीं प्रं स शनिस्तराय नमः शनिस्तरम आवयामि स्थापयामि पूजयामि ओम भ्रां भ्रीं भ्रं स राहवे नमः राहुम आवयामि स्थापयामि पूजयामि ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रं स केतवे नमः केतुम आवयामि स्थापयामि पूजयामि श्री सूर्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः आदिदेवताभ्यो नमः प्रत्यादेवताभ्यो नमः पंचलोकपालेभ्यो नमः इंद्राय दस्तिकपालेभ्यो नमः आवानाथ आसनाथे अक्षतान् समर्पयामि श्री आवास्थाभ्यो देवताभ्यो नमः अथ स्नानम् ओम पादर्पाद्यम हस्तेरर्घ्यम मुखियात्मनियम सर्वांगेषु स्नानीयम जलम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगतम स्नानम समर्पयामि श्री सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतम् परमं पवित्रम् प्रजापते यस्सजं पुरस्तात् आयुस्समुग्रं प्रतिमं शुभ्रं यज्ञोपवीतम् बलमस्तु तेजोपवीतान्ते आत्मनिर्भरं समर्पयामि वस्त्रम् उपवस्त्रम् जुवाश्वासा परिवितागा सुस्यान् भवज्यायमानः तन्धिरसमस्याद् वस्त्रम् उपवस्त्रम् वस्त्रोपवस्त्रान्ते मङ्गलमरक्तसूत्रम् समर्पयामि अथ गन्धम् उपवस्त्रान्ते आत्मनिर्भरं जलं समर्पयामि अन्नद्वारा दुराधर्षान् पोष्टान् करिष्यामि स्वयं प्रवोतानम् प्रत्यक्ष दीपं प्रदर्शयामि हस्त प्रक्षालन पूर्वकं नैवेद्यं पुरतो स्थाप्य नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शिष्णोर्द्योः समवर्तत पदभ्याम श्रोता तथा लोकान् कल्पयन् प्राण स्वपान स्वभ्यान स्वसमान स्वधमध्ये उत्तरा पोषं समर्पयामि ऋतुकालोद्भवफलमोमाद्याः फलिनिर्जा फला पुष्पा जास्पुष्पिणी बृहस्पति प्रसुतास्तानुमुञ्चन्त गुंहस इदं फलं मया देवस्थापितं व्रतास्तव तेन मे सफलाभाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि मुक्षुद्धैलालवङ्गादि ताम्रपत्रं यत्पुरुषेण विहा देवा जगवतन्वत वसंतोषयासीदाज्याङ्गृह्मद्मा शरद्धरी कृताय पूजाय सद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणाम् ओम हिरण्यगर्भा समर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत सदाधार पृथिवीम् द्यामुते मां कस्मै देवाय हरिका विधेम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजविभावसु अनन्तपुण्यफलदमता शान्तिं प्रेक्षमि कृताय पूजाय सद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणाम् समर्पयामि नमस्कारोमि। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि सूर्य नारायण हमारे शौर्य की वृद्धि करें, तेज की वृद्धि करें, चंद्रमा हमारे मन में शांति प्रदान करें और उच्च पद की प्राप्ति कराएं, मंगल हमारे द्वारा सदा मंगल कार्य कराएं और भूमि का लाभ कराएं, बुध हमारे व्यापार में वृद्धि करें, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें वृद्धि हो, बृहस्पति महाराज हमारे को सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे कि सत्कर्म करते रहें, अच्छे कार्यों में हमारा मन लगा रहे, शुक्र के प्रसन्न होने से सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है, जैसे पति पत्नी का सुख, मकान गाड़ी का सुख, शुक्रदेव हमारे पूजन से प्रसन्न होकर के हमारे को सांसारिक सुख की प्राप्ति कराएं, शनिदेव हमारे सदा अनुकूल रहें, राहु हमारे भुजा में ताकत प्रदान करें और केतु हमारी कुल की वृद्धि करें, जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा है तब तक हमारा वंश परंपरा चलता रहे, ऐसे प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सूर्य सौर्य मथेन्द्र च पदवीं सन मंगलम मंगला सद्बुद्धि सबुदो गुरु सगुतां शुक्र सुखम शमशनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतु कुलस्य उन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु महते सर्वे नुकूलाग्रह सर्वे प्रसन्नाग्रह। अनया पूजा श्री सूर्यादिनव देवताः प्रियन्तान् न मम आये अहं जो वास्तु पुरुष का आवाहन